अपहरण की घटना अगर लखनऊ में होता है या विधानसभा लोकभवन में होता है तो जाहिर तौर पे किस तरीके से उससे हमारे सुरक्षा कर्मी निपटेंगे उसकी तस्वीरें आज हम आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं। देखिए एक हेलीकॉप्टर चक्कर काटता हुआ, दूसरा हेलीकॉप्टर ठीक है विधानसभा। आप देखिए रस्सी फेंका गया है नीचे, जो 26/11 में आतंकी हमले में मुंबई में जो 26/11 हुआ था उसमें जो तस्वीरें हमने देखी थी ठीक वैसी ही तस्वीरें एक बार फिर हम यहाँ देखने जा रहे हैं। यहाँ पर देखिए रस्सी हेलीकॉप्टर से नीचे फेंक दिया गया है और देखिए एनएसजी कमांडो उतरते हुए रस्सी से, देखिए क्लोजअप शॉट हम आपको दिखा रहे हैं, एनएसजी कमांडो रस्सी से नीचे उतरते हुए। और ये जो हेलीकॉप्टर है ये आमतौर पे आतंकी घटनाएं जब होती है तब उस दौरान इस हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल होता है। UPATS और एनएसजी की टीम जो है वो इस तरीके से अभ्यास करते हुए मॉकड्रिल में, और हम देख पा रहे हैं किस तरीके से कितनी आसानी से जो यहाँ पर एनएसजी के कमांडोस हैं वो हेलीकॉप्टर से, सेना के हेलीकॉप्टर से उतरते हुए हम आपको दिखा रहे हैं। M17 हेलीकॉप्टर है, आमतौर पे जब आतंकी घटनाएं होती हैं और एनएसजी कमांडो इसी हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल करती है, M17 हेलीकॉप्टर है ये। और यहाँ पर देखिए एनएसजी कमांडो जल्दी से जल्दी उतरते हुए और अपना पोजीशन लेते हुए, तस्वीरें देखिए मन मोह लेने वाली तस्वीर। ये वो जाबाज अफसर हैं जिनके वजह से हम सुख शांति से अपने घरों में रहते हैं। इनको देखकर जो आतंकी हैं उनके दिलों में थर्राहट उत्पन्न हो जाती है। देखिए कितनी आसानी से यहाँ पर एनएसजी कमांडो हेलीकॉप्टर से उतरते हुए और उसके बाद पोजीशन भी ले रहे हैं। जरा वहां दिखाते रहिए तस्वीरें, पोजीशन लेने की तस्वीरें दिखाइए किस तरीके से एनएसजी कमांडो एक के बाद एक उतर रहा है। पहले एक उतरा, फिर दूसरा उतरा, फिर तीसरा उतरा, फिर चौथा उतरा, फिर पांचवा, फिर छठवा, इस तरीके से देखिए। फिर ये सातवां एनएसजी कमांडो है जो हेलीकॉप्टर से उतर रहा है। देखिए आप M17 हेलीकॉप्टर है सेना का, आमतौर पे सेना इसी हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल करती है जब और आमतौर पे एनएसजी कमांडो भी इसी का इस्तेमाल करते हैं। अब सभी एनएसजी कमांडो विधानसभा के ऊपर उतर चुके हैं और हेलीकॉप्टर यहां से उड़ के जाता हुआ, देख लीजिए तस्वीरों में जाओ, तस्वीरें दिखाइए, हेलीकॉप्टर उड़ के जाता हुआ, रस्सी भी खींच लिया गया, हेलीकॉप्टर यहां से निकल गया। उसके बाद अब दूसरी तस्वीर दिखाइए, देखिए यहां पर किस तरीके से, यहां पर देखिए कि जो एनएसजी कमांडो हैं वो अपना जगह ले चुके हैं। जरा क्लोज शॉट उस एनएसजी कमांडो उसका दिखाइए यहां पर। तो हमने पहला पार्ट देखा कि किस तरीके से M17 सेना के हेलीकॉप्टर से एनएसजी कमांडो विधानसभा के छत पर उतर चुके हैं, वो अपना पोजीशन ले चुके हैं। और यहाँ पर मैं एक बार फिर आपको दिखाऊं, ये देखिए पोजीशन लेते हुए की तस्वीरें, यहाँ पर एनएसजी कमांडो की एक और हेलीकॉप्टर की आवाज मुझे सुनाई दे रही है, M17 हेलीकॉप्टर की आवाज मुझे सुनाई दे रही है। अब देखना होगा किधर से हेलीकॉप्टर आ रही है, देखना होगा। देखिए एक और हेलीकॉप्टर विधानसभा के ठीक ऊपर फ्लाई करते हुए विधानसभा के ऊपर एक और देखिए, ये अत्यंत रोचक तस्वीरें, देखिए किस तरीके से आगे बढ़ते हुए एनएसजी कमांडो आगे बढ़ते हुए, ये देखिए एनएसजी कमांडो आगे बढ़ते हुए यहाँ पर, और धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए एनएसजी कमांडो, और उनके ऊपर है एक और M17 सेना का हेलीकॉप्टर, देखिए अत्यंत लो फ्लाई करते हुए। और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं आप यहाँ पर देखिए, और कैसे देखिए यहाँ पर कैसे वहां पर जो जवान हैं, ऑपरेशन कांडी इसका नाम दिया गया, एक और हेलीकॉप्टर ठीक इसके पीछे, देखिए आप एक और हेलीकॉप्टर उसके पीछे है, एनएसजी कमांडो इसी हेलीकॉप्टर से भी उतर रहे हैं। तस्वीरें देखिए एनएसजी कमांडो उतरना शुरू, और जो एक हेलीकॉप्टर है वो लगातार ऐसा लग रहा है कि इनके प्रोटेक्शन के लिए वो हेलीकॉप्टर लगातार राउंड कर रहा है, क्योंकि लोकभवन के अंदर कथित आतंकी है, लोकभवन को सुरक्षित करना है और आतंकवादियों को मार गिराना है। और देखिए एनएसजी कमांडो उतरते हुए या हेलीकॉप्टर से
M17 हेलीकॉप्टर सेना का। और यहाँ पर देखिए अत्यंत खूबसूरत तस्वीर, 26/11 के समय हमने देखा था इस तरीके की तस्वीरें जब मुंबई में टेररिस्ट अटैक हुआ था, उस दौरान किस तरीके से एनएसजी कमांडो उतर रहे थे रस्सी की सहायता से हेलीकॉप्टर से, और ठीक वही तस्वीरें इस वक्त हम यहाँ पर देख पा रहे हैं। अत्यंत मन मोह लेने वाली तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर M17 से उतरते हुए एक M17 हेलीकॉप्टर जो है लगातार लोक भवन और विधानसभा के आसपास चक्कर लगाते हुए, तो दूसरा M17 हेलीकॉप्टर से यहाँ पर तस्वीरों में हम देख पा रहे हैं कि किस तरीके से M17 जो है हेलीकॉप्टर वो लगातार चक्कर काट रहा है, तो दूसरे M17 से एनएसजी कमांडो उतर रहे हैं। यहाँ पर देखिए ये कमांडोस उतर रहे हैं हेलीकॉप्टर से। 26/11 में जिस तरीके का हमने देखा था तस्वीरें, जिस तरीके से हमने तस्वीरें देखा था एनएसजी कमांडो जिस तरीके से मुंबई में के ताज होटल में जो कैप्चर किए थे आतंकियों ने, और उस दौरान जो एनएसजी ने ऑपरेशन वहां पर अंजाम दिया था उसी के तहत वैसी ही तस्वीरें हम आज यहां पर देख पा रहे हैं। आज का जो मॉक ड्रिल है इस मॉक ड्रिल का नाम दिया गया है M17, इस मॉक ड्रिल का नाम दिया हुआ है गांडीव, ऑपरेशन गांडीव, UPATS और एनएसजी का ज्वाइंट ऑपरेशन है। और यहाँ पर लगातार एनएसजी के जो कमांडोज हैं वो उतरते हुए यहाँ तस्वीरों में हम देख पा रहे हैं, एनएसजी के कमांडोज लगातार उतरते हुए। और देखिए इस तरीके से लगातार ऊपर नीचे छत पर हर तरफ एनएसजी के कमांडो, और कितनी जाबाजी से कितनी बहादुरी से ये एनएसजी के कमांडोज किसी भी ऑपरेशन को अंजाम देते हैं। अब यहाँ से एनएसजी कमांडो उतर चुके हैं और एनएसजी और ये हेलीकॉप्टर सीधे अब देखिए यू टर्न लेकर अब सीधे ला मार्टिन ग्राउंड की तरफ जाता हुआ, क्योंकि उड़ान वहीं से भरा गया है, उड़ान वहीं से भरा गया है। एक और हेलीकॉप्टर, वो हेलीकॉप्टर की तस्वीरें दिखाइए, यूपी विधानसभा यूपी के लोक भवन के ऊपर लगातार हेलीकॉप्टर उड़ान भरता हुआ, सेना का ये हेलीकॉप्टर है M17 हेलीकॉप्टर। और यहाँ पर तस्वीरें देखिए इस हेलीकॉप्टर को हमने देखा पहले भी कि किस तरीके से वो लगातार चक्कर काटता हुआ, तो वहीं एनएसजी के जो कमांडोज हैं वो लगातार अपना पोजीशन लेते हुए, यहाँ तस्वीरें देखिए किस तरीके से वो लगातार पोजीशन ले रहे हैं यहाँ पर। और जैसे ही दो हेलीकॉप्टर से जरा वो तस्वीरें दिखाइए हेलीकॉप्टर के जाते हुए तस्वीरें, और जैसे ही दो हेलीकॉप्टर से कमांडो फोर्सेस नीचे यानी विधानसभा के छत पर उतरे, उसके बाद ये हेलीकॉप्टर इनको गार्ड करने के लिए यहाँ पर था वो भी यहाँ से निकल चुका। अब एनएसजी के जो कमांडोज हैं वो अपने ऑपरेशन को अंजाम देंगे। इस मॉक ड्रिल का नाम दिया गया है ऑपरेशन गांडीव। जरा ऊपर की तस्वीरें दिखाइए, देखिए किस तरीके से पोजीशन लेते हुए एनएसजी के कमांडो जो है आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पर एनएसजी के कमांडो, और वो जो है इस वक्त विधानसभा के अंदर अब चले गए हैं, यानी अब हम आपको यहाँ पर तस्वीरें नहीं दिखा पाएंगे। तो दूसरी एक और तस्वीर हम आपको यहाँ पर दिखाने जा रहे हैं। एक तो हमने दिखाया कि किस तरीके से एनएसजी कमांडो जो है M17 सेना का हेलीकॉप्टर से वो विधानसभा के छत पर उतरे, तो दूसरी तरफ नीचे भी देखिए एनएसजी कमांडोज जो है वो यहाँ पर नीचे अलर्ट मोड पे यहाँ पर मौजूद है, यानी कहीं से भी लोहा लेने के लिए आतंकियों से ये हमेशा तैयार रहते हैं। और इस मॉक ड्रिल का नाम दिया गया है ऑपरेशन गांडीव, UPATS एनएसजी कमांडो का ये जॉइंट ऑपरेशन है। और यहाँ पर हम तस्वीरें आपको हम लगातार यहाँ पर दिखा रहे हैं, और इसी तरीके से हर एक तस्वीर इस मॉक ड्रिल की हम आपको दिखाते रहेंगे, जिससे आप रूबरू हो पाए और ये समझ पाए कि किस तरीके से हमारे जो कमांडोज होते हैं वो अपनी जान जोखिम में डाल के हमारी सुरक्षा करते हैं।